या फिर सेल्फी लेते घर पे वापस चले जाते बारिश के वजह से। हांडवा बनाएंगे, इसका अंदर क्या क्या है मम्मी? राइस और क्या? राइस ना चणान लोट ना तो पहले चणान दाल छाना का दाल और तुवेरी दाल, तुवेर दाल छाना दाल सबका पाउडर है। इतना चलेगा मेथी? हाँ ना को इसमें डालेंगे अभी सास दही, दही भी डाल सकते हैं ना इसके अंदर। कम नहीं पड़ेगा आप गर्म पानी बेटा पर खाटो बस है। ठीक है दही, दही बहुत लोग दही डालते हैं दही में पानी डाल के, ये भी दही का पानी है ऐसा टाइप का ही है वाटर मिल्क। इसको दो तीन घंटा के लिए मतलब दो तीन घंटा नहीं पूरा दिन के लिए रख देंगे, अभी रखूंगी रात को बनाएंगे इसको। अभी हम लोग आ गए इंद्र रोड पार्क में, बारिश का सीजन है पूरा गीला गीला, देखो आसपास बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ऐसा, कभी भी बारिश आ जाएंगे। आज रक्षाबंधन है ना, बहुत सारा लोग है यहाँ पे और ज़्यादा वो नहीं है मतलब बारिश आने के बाद खड़ा होंगे ऐसा कोई प्लेस ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। आ रहा है ना जबरदस्त बारिश, अभी पूरा कर देंगे गीला, देखो पूरा बारिश 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 बारिश। तो मना करना चाहिए था ना यहाँ पे सेल्फी लेते घर पे वापस चले जाते बारिश के वजह से। अरे बारिश बारिश ये वाला फूल से हम पूजा करते हैं, वाला ये वाला ये तो एक करवाऊंगा। ओए बारिश में जू वो देखने का है, गार्डन जैसा है इसमें ना गार्डन है। पानी देख लेते पहले, पानी देख लेते हैं ये एनिमल देख लेते हैं, अभी इतना बारिश में तो चलने का मूड ही नहीं हो रहा है सच में। यहाँ पे गाड़ी होना चाहिए छोटा छोटा जो चल चल के सब कुछ देख पाएंगे। देखो कितना सब आसपास गीला 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 हो रहा है, देखो ये लोग पानी पीने चला गया, अभी दो मिनट चला नहीं है बारिश दोबारा आ रहा है। अच्छा इधर जू आएगा ना, चलो जू में जाते हैं, बहुत बड़ा समय हो रहा है यहाँ पे। अरे ना हम एक जगह गए थे गांधीनगर में, वो बहुत ज्यादा भरा भरा मयूर था, व्हाइट कलर का है। यहाँ पे क्या क्या देखा देगा सब देखे देगा, लेकिन अभी सब में जाना ही नहीं है। स्नेक हाउस सो रहा है अंदर छोटा छोटा है। ये गांव में बहुत सारा लोग मार डालते हैं इसको बिचारे को। हाँ ये बहुत बड़ा है, माय गॉड क्यों मोटो सब लोग ये रहा थोड़ा ढगलो हाँ लोगों खाओ मतलब तो करते हैं कितना मोटा है गर्मी लग गया स्नेक देखते देखते। ये बहुत सारा तूता पकी तूता पकी आया ले लो इसमें से एक ना, छोटा छोटा चाहिए मेरे को, पैरोट है लेकिन यहाँ पे बहुत पैरोट होता है। पापट खाना लेके आया
बतख तो पीलो ना मरू भैया बहुत ज्यादा यहाँ आदमी भी आता है लेकिन कुछ खाना बना नहीं है ना नजदीक होगा चलो देख के आते इतना दूर दूर है यहाँ पे तो ये भरा पड़ा है बापरे इसका नाम क्या है खाली खिचकुली वैसे तो अच्छा लेकिन इस वेदर के लिए अच्छा नहीं है बारिश नहीं होगा तो अच्छा लगेगा बट बहुत ज़्यादा गर्मी पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है तो अभी घर पे आ गई और इंद्रोडा पार्क में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा एक तो बारिश मतलब कंटिन्यू बारिश आता भी नहीं है और जाता भी नहीं है थोड़ा थोड़ा गिरता है फिर स्टॉप होता है फिर गिरता है फिर स्टॉप होता है और ऊपर से वो जंगल जैसे जाएगा है वैसे तो बहुत अच्छा प्लेस है अगर आप चलने के लिए जा रहे हो जू देखने के लिए जा रहे हो बहुत अच्छा लगेगा चलना बहुत ज़्यादा पड़ेगा और जू में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है वो ज़रा सी बात है और ऊपर से क्या हुआ मेरा कैमरा बंद हो गया पता नहीं चार से कैमरा में एकदम से बंद हो गया चालू ही नहीं हुआ हमें दूसरा मंदिर में जाना था अक्षरधाम में जाना था तो फिर हम गए नहीं मैं बोला चलो घर पर चले जाता गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कोई फोटो वोटो खिंचाने में पाँच मिनट जस्ट पाँच मिनट और दूसरी बात क्या है हम मामा के लड़का लोग आए थे वो लोग बिसनगर में जाने वाला तो चलो गांधीनगर में हम इंद्रोडा पार्क में जाते बाद में आप लोग बिसनगर चले जाना वो लोग चला गए बिसनगर और हमें अहमदाबाद में चले आई इतना दूर गया लेकिन टिकट करके अंदर भी गया लेकिन घूमने का बिल्कुल भी मुझे मूड नहीं था देखा बारिश का हाल पूरा रूट खराब हो रहा था और घर पर आया तो गर्मी लगने लगा बहुत गर्मी सच में आज का वेदर बहुत गर्मी अच्छा नहीं लग रहा है हांडवा के लिए मैंने बैटर रखा था ना देखा था आप लोगों को तो अभी देखा नहीं मैंने पूरा दिन में जो फर्मेंटेड हुआ गया नहीं है चलो आप लोगों को देखा था और मैं इसको बनाऊंगी मैं रात के लिए इसको भिगो के रखा था इसका वेदर मतलब ठंडा ठंडा है ना तो इसलिए मैं सुबह रख दिया था उसको भिगो के और जब भी बनाते थे मम्मी बनाते मतलब मैं बहुत दिन से मैं बनाती हूँ और पहले मम्मी बनाते थे और जब से मैं बनाना स्टार्ट किया मम्मी ने बंद कर दिया और इंद्रोडा पार्क में जिनको भी जाना जा सकते बहुत अच्छा जाएगा लेकिन इस वेदर में जाना नहीं चाहिए बहुत गर्मी है और बहुत चलना भी पड़ता है चलो दिखाता हूँ तो सुबह से मैंने इसको खोला भी नहीं सुबह रखा था फर्मेंटेड होने के लिए ओ माय गॉड देखो कितना अच्छा हो गया कितना अच्छा फुल गया बहुत अच्छा फुल गया और इसके अंदर मेथी डाला था मेथी डालने से फर्मेंटेड अच्छा सा होता है और यहाँ पे मैंने लहसुन और हरी मिर्ची पीस के रखा इसमें डालने के लिए इसमें वेजिटेबल्स वाला डालेंगे अमेरिकन मकई और ये जो अमेरिकन मकाई होता है ना मीठा होता है इसमें बहुत सारे गुजराती लोग हैं ना शक्कर डालते हैं मैं शक्कर नहीं डालती इस ये है दूधी और ये है गाजर तो देखो कितना अच्छा फर्मेंटेड हो गया अच्छी तरह से देखो और अंदर से भी फुल्ला 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 हुआ तो इसके अंदर मसाला डालूंगी मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे जस्ट थोड़ा सा और थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे और ये डालेंगे पिसा हुआ जिंजर तो इसके अंदर नमक नहीं डाला था पहले तो अभी नमक डाल देता हूँ कितना सारा वेजिटेबल डाला देगा और डाल रहा हूँ बादाम बादाम को थोड़ा धो के डालता हूँ थोड़ा काला काला लग रहा है तो इसमें थोड़ा कारी पत्ता डाल दूंगी और छोटा छोटा कारी पत्ता होता है टेस्ट बहुत अच्छा आता है लेकिन ये बड़ा बड़ा कारी पत्ता है तो बैटर इज रेडी चलो अभी बना के दिखाता हूँ
तो बागर में डालने के लिए यहाँ पे साबुत धनिया, जीरा और इसमें राई मतलब मस्टर्ड सीड है एक साथ में मिक्स करके रखा, और इसमें व्हाइट कलर का तिल, व्हाइट ब्लैक जो भी चलेगा, और इसमें है कड़ी पत्ता, इसको मैंने वॉश करके रख दिया था। और इसमें ऑयल बहुत कम डालेंगे बिकॉज चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी, तवा को अच्छे से गर्म कर लो, कोई भी पैन डालो गर्म अच्छे से हो जाता है ना, तेल ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हंडुआ बन रहा है, चटनी बना देता हूँ। जीरा और थोड़ा लहसुन और हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, और ये वाला चटनी में दही भी चाहिए। तो पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए इसमें। लो बन गए चटनी। चटनी में तो नमक डालना भूल गई, चटनी में नमक डालना भूल गई थी, आप देखो कितना लिक्विड जैसा हो गया। दूध उकड़ाई में रख दिया एक साथ में, जल्दी जल्दी हो जाए ना, इसीलिए। क्या हुआ? गर्मी देखो, लो लो लो, फैन करना। और देखो मेरी हाल, माय गॉड कितना गर्मी आज। तो रेडी हो गया मेरी हंडुआ और सब लोगों ने खा लिया, बस मैं ही बाकी रह गई थी, और चटनी इतना ही है। क्या ना, लास्ट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा बनाया, फेंका, इसलिए इस बार कम बनाया, और ये एकदम गर्म गर्म है। मैं जब गांधीनगर में गई थी ना पार्क में, इंद्रूडा पार्क में, इतना ज़्यादा भूख लगा था, अभी बज रहा है रात का 10 या 9 बज रहा है। मैं उधर से आई, मैं आके सब रेडी किया, फिर मैंने हंडुआ बनाया और सब लोगों ने खाया, मैं बोला लास्ट में मैं खाऊंगी, बिकॉज बिल्कुल भी भूख नहीं था, पता नहीं मतलब बहुत टाइम से भूख लगा, फिर रेडी करते करते भूख चला गया, फिर इतना गर्मी लगा, एकदम क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लगा। आज का वेदर इतना गर्मी है या मुझे ज़्यादा गर्मी लग रहा है पता नहीं है। और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये वाला हंडुआ, और एक्चुअली ये तो गुजराती रेसिपी है, बट मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आके बनाया, इसको तो मैंने बहुत बार बनाया यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं गुजरात में आके बनाया, मुझे इसका नाम भी नहीं पता था। बहुत 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 ज़्यादा यम्मी बनता है, मैं बहुत कम तेल डालती हूँ, इससे भी कम तेल डाल के बना सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या ना इतना इतना तेल डालता है, उनको लगता है ज़्यादा तेल डालेंगे तो चिपकेगा नहीं, और जितना तेल डालेंगे तो तेल पी ही लेंगे, राइस होता है अंदर, दाल होता है इसीलिए। और अंदर का देखो सब्जी सब्जी बहुत अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। चलो चलो खा लो, मैं भी खा लेता हूँ। बाय, टाटा, गुड नाइट।